मेरे को बीएड के बाद पढ़ना था, एमएससी करनी थी या फिर कोचिंग लेनी थी ताकि अच्छी जॉब सेटल हो जाए। मेरे साथ जो भी पढ़े थे अभी तक कोई भी ना लड़का और ना लड़की किसी को जॉब नहीं मिली अभी तक, सभी ऐसे ही है। किसी की तो मतलब ये कि ग्रेजुएशन करवा के गाँव में जो पढ़ती थी उनकी तो मैरिज की सोची। गवर्नमेंट क्या करती है कि जॉब तो देती है, मतलब वैकेंसी निकाली, हमने फॉर्म भरे, हमसे पैसे तो ले लिए, बट जॉब के टाइम पे वो पेपर कट या तो लीक हो जाता है या पेपर कैंसिल हो जाता है, हमें मतलब दे ही नहीं पाते। उसके बाद अगर पेरेंट्स सोचे भी कि हाँ अभी चलो कोचिंग दिलवा दे या उनको आगे बढ़ा ले, माहौल इतना अच्छा ही नहीं है। जब कोलकाता के इंसिडेंट हो गया, जब वहाँ एक डॉक्टर सेफ नहीं हो सकती, इतना एजुकेशन होने के बाद MBBS करने में डॉक्टर है जो अपने क्लिनिक में हेड हो के वो सेफ नहीं है, तो हम बाहर जाके कैसे सेफ हो सकते। और गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है, गवर्नमेंट सिर्फ ये सोच रही है कैसे लोगों को अपने मतलब माइंड गेम खेला जाए, जो आम जनता है वो नहीं समझ रही और कुछ एजुकेटेड भी नहीं समझ रहे हैं। अब दोबारा इलेक्शन हुए, दोबारा गवर्नमेंट वही BJP आ गई, किसी ने ये नहीं सोचा कि 2 साल आगे हमने बहुत कुछ देख लिया, चेंज करके देखते हैं भी, क्या पता कुछ नहीं आ जाए। एक तो एजुकेटेड बहुत अच्छा मतलब हमें नेता मिलेगा, अपने एजुकेशन से कुछ ना कुछ तो हमारे लिए नया करेगा, एजुकेशन वालों को देखेगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हरियाणा मांगे हिसाब, कांग्रेस से ही आस।